Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now student, question 6 देखते हैं. Question 6 में हमें क्या है? Two dice are thrown. दो dice को आपने throw किया. The events A, B, C are as follows. और उसके according event A, B, C को define किया गया है. आप जानते हैं, two dice को जब हम throw करते हैं, तो हमें sample space क्या मिलते हैं? Total 36 sample space. ये मैंने आपको previous question में बताया था. Now, event A is getting an even number on first die. Event A ऐसी है, जिसमें even number मिलता है आपको first die पर. And event B में getting an odd number on first die. और event D ऐसी है, आपको मिलता है क्या? Odd number first die. Event C is getting the sum of the numbers on the dice less than equal to 5. आपके जो dice पर number आ रहे हैं, उनका sum जो है, हमेशा 5 से छोटा या 5 के बराबर. ये C event. सबसे पहले मैं इन्हें डिफाइन करके लिख देता हूं. सी, आपने जब दो डाइस को यहां पर जब रोल करेंगे, दिस सी दिस इज आई एम रोलिंग, तो आपने रोल किया. रोल करने के बाद आपको ये 36 सैंपल स्पेस मिले. अब मैं ये लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, आपको ए से स्टार्ट कर. नाउ सिंस ए इवेंट, ए इवेंट कैसी है कि आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट ड्राइव पर इवन नंबर है. तो ऐसे कौन कौन से होंगे फर्स्ट ड्राइव पर इवन नंबर, मैं यहां पर इन्हें कर देता हूं. फर्स्ट डाई पर इवन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये, देन 4, दिस, इन सब पर फर्स्ट डाई पर आपको क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है. तो दीज ऑल आर, मैं इसे राइट डाउन कर देता हूं. ए के अंदर दिस इज 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 and 2, 6. नेक्स्ट, अब आप 4, 1 पे जाएंगे, दिस इज 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6 एंड सिमिलरली आप 6, 1, क्योंकि इस पर भी फर्स्ट ट्राई पर आपको इवन नंबर मिल रहा है, 6, 2, 6, 3 and 6, 4, 6, 5 and 6, 6. ये आपका आ गया इवन नंबर ए इवेंट जो है. साथ ही अब बी इवेंट को भी मैं बता देता हूं. तो बी इवेंट के क्या होंगे सैंपल पॉइंट. बी इवेंट में हमसे क्या कहा गया था, गेटिंग ऑड नंबर ऑन फर्स्ट ट्राई. तो बी के जो आएंगे, दिस इज 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, दिस इज 1, 6 एंड 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 एंड उसके बाद स्टूडेंट नाउ 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 and 5, 6. तो ये हमारी क्या हो गई इवेंट बी. नाउ इवेंट सी की तरफ चलते हैं. इवेंट सी कहा गया है कि दोनों डाई पर जो सम है वो हमेशा 5 के स्मॉलर और इक्वल टू द 5 है. तो ऐसे कौन कौन से होंगे मैं आपको बता देता हूं. से 1, 1 दोनों का सम 2, 1, 2 सम 3, यहां सम 4 आएगा एंड यहां सम 5, आगे नहीं देंगे. साथ ही 2, 1 में सम 3, सम 4 एंड सम 5. नाउ आगे तक नहीं जाएंगे क्योंकि ग्रेटर देन 5 हो जाएगा. नाउ 3, 1, 3, 2, नाउ 4, 1 एंड अगेन 4, 2 आप नहीं लेंगे. तो ये जो सैंपल इस पॉइंट है ये आपके इवेंट सी को फॉर्म करेंगे. तो मैं लिख देता हूं, दिस इज 1, 1 देन दिस इज 1, 1, 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4. साथ ही अब 2 वाले, तो 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड देन 3, 1 वाले 3, 1 देन 3, 2 और फिर जो है 4, 1. ये हमारे बनेंगे. इन सब का सम क्या है, लेस देन 5 और इक्वल टू 5. नाउ स्टूडेंट अब आगे यहां पर हमसे क्वेश्चन पुट अप किए गए इन ए बी सी के अकॉर्डिंग. तो आप लोगों से बताता हूं. फर्स्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है यानी कि यूनिवर्सल सेट आपका यहां पे क्या हो जाएगा. दिस यूनिवर्सल सेट का काम कौन करेगा, सैंपल स्पेस ये. अब इसमें से ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे आपको बताना है. ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऐसे सारे नंबर
जिनके स्टार्टिंग में ऑड आता है, क्यों? क्योंकि इवन वाले तो ए आप माइनस कर देंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज हियर। यहाँ यूनिवर्सल सबसेट को मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूं, माइनस ए, और दैट इज क्या आएगा आपके सीधा यहां पर मैं इवन बी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप इवन नंबर फर्स्ट टाइप पर हटा देंगे तो ऑड नंबर वाले जो फर्स्ट टाइप पर ऑड नंबर है वो इवेंट आएगी, जो कि बी डिफाइन करता है। मैं पूरा नाउ स्टूडेंट, अब यहाँ पर आगे और भी क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं। फर्स्ट नाउ सेकंड की बात करता हूं मैं। सेकंड में मुझसे कहा गया है नॉट बी, कि बी नहीं है। अब अगर बी नहीं होगा तो क्या होगा? बी नहीं होगा तो नॉट बी, दिस इज नॉट बी। नॉट बी के लिए अगेन टोटल में से आप बी को माइनस करेंगे, अगेन यहां पर जो उसके लिए क्या आ जाएगा, नॉट बी होने का मतलब कि ऐसी इवेंट जिनके फर्स्ट डाई पर ऑड नंबर ना हो, तो अब ऐसे कौन सी हो जाएंगी, इवेंट हैविंग फर्स्ट डाई। अब ऑड नहीं होंगे तो क्या होंगे, इवन होंगे, फर्स्ट डाई इवन नंबर, इवन नंबर। और ऐसी कौन सी होगी, ए आ जाएगी हमारी सारी की सारी। नाउ स्टूडेंट थर्ड के केस में क्या है, थर्ड में हमसे कहा गया है ए और बी, यानी ए और बी। ए और बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी का ए यूनियन बी। अब जब दोनों का ऐड कराएंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट डाई देखिए ए और बी को जब हम मिला देंगे तो पूरा 36 सैंपल पॉइंट का एक सैंपल स्पेस मिलेगा, जो कि हमारे टोटल के बराबर होगा, तो ये सैंपल स्पेस आ जाएगा। नाउ फोर्थ की तरफ मैं चलता हूं, तो फोर्थ में मुझसे कहा गया है ए एंड बी। क्या ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब क्या हुआ, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में क्या कुछ कॉमन है। अब आप ए और बी इवेंट को अगर देखें, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों में कॉमन, दैट इज यहां क्या हुआ, नल सेट। नाउ अब नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, हमसे क्या कहा है ए बट नॉट सी। ए हो, ए बट नॉट सी, लेकिन सी ना हो, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, ए में से सी को आप क्या निकाल दीजिए। अब ए में से जब आप सी निकालेंगे, अब सी में कौन कौन से पॉइंट है, 1 1 1 2 1 3 1 4, ये वाले तो नहीं, लेकिन 2 1 2 2 2 3, ये ए के अंदर आते हैं, इन्हें छोड़ के बाकी सब 2 1 2 2 2 3, बाकी सब के सब क्या आएंगे, यहां आ जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं, दिस इज 2 1 2 2 2 3 छोड़कर 2 4 2 5 2 6, देन 4 1 4 1 भी यहां पर हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 4 1 अगर हम देखें 4 1 सी के अंदर आ रहा है, 4 1 भी छोड़ देंगे, 4 2 पर चलेंगे, दिस इज 4 2 4 2, इसके बाद 4 3 4 4, देन 4 5, देन 4 6, एंड देन उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये हमारे ए बट नॉट सी आ जाएगा, यानी ए माइनस बी। नाउ सिक्स्थ पॉइंट में हमसे क्या कहा गया है, सिक्स्थ पॉइंट में मुझसे कहा गया है बी और सी, बी और सी का कॉमन। तो अब बी और सी का कॉमन क्या आएगा, यानी कि बी, बी और सी यानी यूनियन, बी यूनियन सी, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी के सारे सैंपल पॉइंट एंड सी के मिला देंगे, तो बी के सारे सैंपल पॉइंट क्या है, दिस इज 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, दिट इज 5 5 एंड 5 6, ये आ जाएगा। अब सी के एलिमेंट भी आपको इसके साथ मिलाने, तो सी के एलिमेंट 1 1 आ चुका है, 1 2 1 3 1 4 आ चुका है, 2 1 2 2 2 3 एंड 4 1, क्योंकि 3 1 3 2 भी यहां पे आ चुका होगा, मैं आपको बता देता हूं, ये दिस स्टूडेंट, ये वाले पॉइंट को छोड़ के दिस, दिस इज अगेन द, मैं यहां पर दिस, ये वाले पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट क्या आएंगे, हमने वहां पर बी में नहीं, बी में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब 2 1 2 2 2 3 4 1, ये और लिखने बाकी हैं आपको, तो आप लिखिए यहां पर, दिस इज 2 1 2 2 एंड 2 3, साथ ही 4 1, ये और आ जाएंगे आपके। तो ये हो गया हमारा बी और सी। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमसे कहा गया है बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी, इसका मतलब क्या हुआ, बी का कॉमन सी के साथ। अब बी का कॉमन सी के साथ कौन सा होगा, अगेन 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 3 2, यही होगा बी का सी के साथ कॉमन, तो मैं लिख देता हूं, दिस इज 1 1 1 2
1 3 1 4, then 3 1 and 3, तो ये हमारे आ जाएंगे बी एंड सी। तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट यहां पर निकाल दिए। सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।